Students, today we will learn about riddles. Riddles का मतलब हिंदी में होता है पहेलियाँ, और आप लोगों ने हिंदी में बहुत सारी पहेलियाँ पढ़ी होंगी, पहेलियों का गेम खेला होगा, पहेलियाँ सुनी होंगी. सो चिल्ड्रेन, टुडे व्हाट वी विल डू, वी विल लर्न सम रिडल्स, और हम कह सकते हैं कि हम अंग्रेजी में कुछ पहेलियाँ पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट्स ग्रीन बट नॉट अ लीफ, कॉपीज अदर्स बट नॉट अ मंकी. क्या हरा है पर पत्ता नहीं है, दूसरों की नकल करता है पर बंदर नहीं है. तो कम ऑन, मेक अ गेस. ओके, होप यू हैव रीच्ड टू द आंसर, एंड द आंसर इज अ पैरट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. What belongs to you but is used more by others? ये आपका है लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरे लोग अधिक करते हैं. So, what can be the answer to this riddle? Yes, you all know it is your name. It is used by others but you use it only few times. Now let us move to the next one. I have hands but cannot hold a thing. मेरे पास हाथ हैं लेकिन मैं कुछ भी चीज़ पकड़ नहीं सकता हूँ. And children, everybody has this thing in his house. And you use it. It's very important necessity of a family. Hope you have understood. Now it is a clock. Yes. Now let us move to the next one. I have teeth but cannot chew. मेरे पास दांत हैं लेकिन मैं चबा नहीं सकता हूँ. Yes, you use it every day to keep yourself clean. Hope you have reached to the answer. And the answer is a comb. Now let us move to the next one. What sleeps through the day and cries through the night? The more it cries, the more it creates light. यह दिन भर सोती है और रात को रोती है, और जितना अधिक रोती है उतनी अधिक रोशनी देती है. You use it when there is no light. Hope you have reached to the answer, and the answer to this is a candle. Now let us move to the next one. I can carry lots of foods, but cannot eat anything. मैं बहुत सारा खाना अपने में रख सकता हूँ पर मैं खा नहीं सकता हूँ. What is it? Yes, come on, make a guess. It is a refrigerator. Now let us move to the next riddle. We are brothers from the same mother, but we never meet. हम दोनों सगे भाई हैं पर हम दोनों एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाते हैं. एक आता है तो दूसरा चला जाता है. Yes, you know the answer. And the answer to this riddle is day and night. As the day comes, night goes away. And when the night comes, day goes away. Let us move to the next one. I add lots of flavor and have many layers. But if you go to close, I will make you cry. मैं खाने में खुशबू बनाता हूँ और मेरे में बहुत सारी लेयर्स हैं. लेयर्स मतलब होता है बहुत सारी परतें हैं, पर अगर तुम मेरे पास बहुत नज़दीक आओगे तो मैं तुम्हें रुला सकता हूँ. एंड दिस इज़ अ थिंग यूज्ड इन आर फूड एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेबल. होप यू हैव गेस्ड, इट इज़ एन अनियन. सो चिल्ड्रेन, आई होप यू विल आस्क दीज रिडल्स टू योर फ्रेंड्स, ट्राई टू रिमेंबर दीज रिडल्स. Read these riddles again and again. Now I have given you a small exercise based on riddles like this. I have teeth but cannot chew. We have already done this one. What is the smallest room in the world? सबसे छोटा कमरा इस दुनिया में क्या है? It is a mushroom. Now let us move to the third one. What belongs to tea, finishes with tea and has tea in it? ये वर्ड टी से इस्तेमाल होता है और टी से ही ख़त्म होता है और इसमें टी ही रखी जाती है. तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है? इट इज़ अ टी पॉट.
टीपॉट में हम क्या रखते हैं, टी रखते हैं। लेट अस मूव टू द फोर्थ वन, गिव मी फूड आई विल लिव, गिव मी वॉटर एंड आई विल डाई। अगर आप मुझे खाना दोगे तो मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन अगर आप पानी दोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो वॉट इज इट, इट इज अ फायर। नाउ लेट अस मूव टू द फिफ्थ वन, वॉट हैज टू बी ब्रोकन बिफोर यू यूज इट। ऐसा क्या है जिसे यूज करने से पहले, प्रयोग करने से पहले आपको तोड़ना पड़ता है। एंड यू ऑल ईट इट, इट इज एन एग। द लास्ट वन इज, वॉट्स ग्रीन बट नॉट अ लीफ, कॉपीज अदर्स बट नॉट अ मंकी। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, इट इज अ पैरट। होप यू लाइक दिस। थैंक यू।